हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सुबह के बजे हुए हैं 6 और ये हो रही है हमारे चूल्हा की पुताई। तो इसमें शाम को खाना बना था तो दादा हमारे लेकर के चले गए थे राख चूल्हा की। तो हमने सोचा कि हम झाड़ू लगा कर सिर्फ पुताई कर देते हैं, क्योंकि आज बहुत काम है घर पर। और गांव में सभी के घरों में झाड़ू चूल्हा इसी से शुरुआत होती है। सुबह की शुरुआत झाड़ू चूल्हा से ही होती है। और ये पीली वाली मिट्टी है, इसी से डेली चूल्हा की पुताई की जाती है। तो हमने सोचा कि हम कर देते हैं। और एक काम हमारे यहाँ छोड़ दिया जाता है, शाम को यदि पूरे बर्तन धुल लिए गए तो चूल्हा छोड़ दिया जाता है। यदि चूल्हा पोत लिया गया तो फिर तवा छोड़ दिया जाता है। पूरे मतलब पूरा काम शाम को नहीं किया जाता है। तो फिर चूल्हा की पुताई करने के बाद हम आ गए इधर गैलरी में और झाड़ू लगा देते हैं। और आंगन, कमरे, हर जगह झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि हमको खेत जाना है। और इधर देखिए, ये नाश्ता ले लिया है खाने के लिए। ये शाम को गुजिया बनी थी, वही गुजिया है। तो यही खा करके हम चले जाएंगे आलू लगाने, और फिर दोपहर में आएंगे तो जब खाना बनेगा तब खाएंगे। तो ये देखिए, बस यही खाकर चले जाएंगे। तो जा रहे हैं खाने, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है। और आज अम्मा घर पर हैं, अम्मा की थोड़ी तबीयत नहीं सही है, इस वजह से वो घर पर है। तो भाभी भी घर पे हैं, भाभी खाना बना रही हैं। तो हम जाते हैं आलू लगवाने, और सुहानी हमारी सो गई है। तो जब तक वो सोती है तो हम जाएंगे, और फिर यदि जग जाएगी तो भाभी फ़ोन कर देंगी, तो हम वहाँ से आ जाएंगे। हमारे साथ में हमारी मीठी, देवान, समृता, ये तीनों जा रहे हैं आलू लगवाने। तो गांव के बिल्कुल पास में ही है खेत, गाँव बाहर दिखाते हैं आपको। ये देखिए जहाँ पर गाड़ी है, बस यही इसी के पास में है। और पीछे इस तरफ घर है, और इधर जो आप लोगों को पहले दिखाया वहाँ पे खेत है। तो गांव के बिल्कुल किनारे ही खेत है, तो वहीं पर हम जा रहे हैं। और देखिए, हम आ गए हैं खेत पे। आ जाओ देवांश, धीरे धीरे आ, कूड़ी ना कचरे। ये बीजा रखा हुआ है आलू का, और देखिए कितनी लग गई हैं ये। तुमसे पूछ रही थी कि कहाँ जा रही हो, बोले ना रही रहो। लगाए वर्पित आलू।
तो अब हम लगाएंगे आलू। देखिए संतरा लगे हैं यहाँ पे, संतरा नहीं है चकोतरा है। तो चलिए काम शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों हम अभी जिससे बातें कर रहे थे, तो ये हमारी बड़ी अम्मा हैं, इन्हीं का खेत है, इन्हीं के खेत पे हम लोग आलू लगा रहे हैं, बटाई को आलू लगा रहे हैं। तो ये इसी तरह से बोलती हैं, शायद बचपन से ही ऐसा बोलती हैं, लेकिन इशारे से ज़्यादा समझती हैं। तो हम लोग इनसे बातें कर रहे थे और ये आलू हम एक एक बीता की दूरी पर लगा रहे हैं। और आलू लगाना, खेतों में काम करना हम शुरू से ही जानते हैं, क्योंकि शुरू से किसानी होती रही है हमारे यहाँ और ससुराल में भी किसानी होती है। तो ये सब करना हमको अच्छा लगता है, भैया हम किसान की बेटी हैं तो ये सब करने में कैसी शर्म। और जो हम लोग खेतों में काम करते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। और देखिए एक एक बीता की दूरी पर रख रहे हैं आलू, और ये आलू पूरे सजे सजाए हैं, काटा नहीं है इनको बीच से हमने। और देखिए लग गई हैं आलू पर, थोड़ा सा बीजा कम पड़ गया है तो थोड़ा खेत बचा है लगाने के लिए, तो कल लगाएंगे आके हम लोग, क्योंकि बीजा कम पड़ गया है तो कल लाएंगे बाजार से, तब लगाए जाएंगे आलू। हमारे अच्छा मिलता है, थोड़ा सा खेत केवल बचा है तो हम कल लगा देंगे आके, कल में लग जाएंगी। और अब हम जा रहे हैं अमरूद लेने, यहाँ दादी लगती है हमारी दाई, उन्हीं का बगीचा है तो अमरूद का बगीचा है, तो अमरूद लेने जा रहे हैं हम। और ये खेत है हमारा, ये देखिए आलू लग गए यहाँ पे, तो हम सोच रहे हैं कि अमरूद खाने का मन है ताज़े ताज़े, तो आज जाके अमरूद खाएंगे जा करके। चलो जल्दी अमरूद ले आओ, ले पन्नी पकड़ो पन्नी। तो चलिए अभी दिखाएंगे आप लोगों, बिल्कुल पास में ही है। तो देखिए ये दाई हैं, इनके साथ में हम जा रहे हैं, इनकी बगिया है और आ गए हैं हम बगीचा के पास ही आ गए, दिखा रहे। ये देखिए अमरूद का बगीचा है और बहुत बड़ा बगीचा है, आंवला है, अमरूद है, ये देखो अमरूद का बगीचा। तोड़ दे बुआ, अच्छे अच्छे टोरे वाओ, वो वाली नहीं है इनका ललगुदिया वाली, लाल वाली जल्दी है। हाँ ये वाली बिटिया नहीं पाकी आई, इतनी बहुत अमरूद है। हाँ देखे सब तोड़दार हो, देखिए अमरूद बहुत बड़ा बगीचा है। ये अमरूद लियो, लियो खा ले। मीठी का खा रही अमरूद, अमरूद तुम खा लिए, देखो ये कितनी पन्नी भर ली है टोर टोर के। क्यों नहीं काम करती है, बिट्टी खूब पाकी ला। ये देखिए बिट्टी की गद्दरी की चवाल है, बहुत लाग रहा है रे धीरे तोरी है, हम को तो ना दिखा नहीं वो लागे तो पाक ऊपर ऊपर लगी है, ये बीच में लागे। देखो अर्पित चढ़ के टोर रहे, यही टोर रहा हूं, यही जाबी ऊपर, ये ऊपर वही के लागे बिल्कुल वही के ऊपर। हां जहां टोर ले, टोर ले, टोर ले, एक पाक एक नहीं पाकी है, लंग मिली है नहीं, कितनी फेंका ना बेटी बैठाओ। हाँ तो ये देखिए तोड़ लिए अमरूद और अब हम जा रहे हैं घर। और कल टूट गए थे इस वजह से कम मिले हैं, बहुत ढूंढना पड़ा था, अब इतने मिले हैं, लगे तो बहुत है पर कच्चे लगे हैं छोटे छोटे, तो इतने मिले हैं हमको। आ जाओ जल्दी से, तो हम घर जा रहे हैं घर पे। तो देखिए हम आ गए हैं घर और देखते हैं हमारी सुहानी जाग रही है कि सो रही है। बाबू जाग रही हो का, आहा कैसे हंस रहे हो।
और इधर देखो भाभी का खाना बन गया। जब हम लोग आलू लगा के आए हैं, अर्पित खाने जा रहा है रायता चावल रोटी। तो अब हम जा रहे हैं नहाने, सबसे पहले करेंगे इनके मालिश और फिर नहाएंगे। और दोस्तों खेत से आते आते हमको बज गए हैं 12:30। तो ये 12:30 का टाइम है, तो हमने सोचा कि इसकी मालिश कर दें, क्योंकि इसकी मालिश करनी बाकी थी, मम्मी ने नहीं की थी आज, और काम भी उनके पास बहुत था इस वजह से नहीं किया, तबीयत भी नहीं सही थी, तो हमने सोचा हम ही कर देते हैं और इसके बाद में फिर हम मालिश करने के बाद में नहाएंगे। तो इधर हम आ गए हैं अपने चाचा जी के घर में, तो यानी संध्या के घर में, तो हमने नहा लिया है और यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं। तो इनके घर में ये वाला नल लगा है, पहले का है, तो हम शुरुआत से बचपन से ही इनके घर में नहाते धोते थे, जब छोटे थे तब इन्हीं के घर में ज़्यादातर नहाया करते थे। तो आज भी हम इन्हीं के घर में आ गए नहाने के लिए, इनके घर में धूप अच्छी रहती है, तो हमने सोचा यहाँ पे ही नहा लेते हैं। और फिर नहाने के बाद में ये देखिए हमने लगा ली है अपनी थाली, रायता रोटी, और चावल नहीं लिए हैं क्योंकि चावल हमको हल्का हल्का खांसी जुखाम बुखार भी रहता है, इस वजह से चावल नहीं खाए हैं। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।